इच स्टूडेंट इन द क्लास। ये पार्ट टू है बेटा, वो वीडियो है क्लैप्स हो गई है और साथ में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। इच स्टूडेंट इन द क्लास शुड बी गिफ्टेड विद अ प्राइज। तो हर बच्चे को प्राइज मिलना चाहिए, हर एक बच्चे के बारे में वन बाय वन बात की गई है, यानी कि सभी को एक ग्रुप के रूप में ले लिया, नहीं एक इंडिविजुअल यूनिट के रूप में लिया जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसमें बुक में देखेंगे एक टॉक टू इच चाइल्ड सेपरेटली, सेकंड है टॉक टू इच चाइल्ड सेपरेटली, हर बच्चे से अलग अलग से बात करें, टॉक टू इच चाइल्ड सेपरेटली, ठीक है। इसके बाद और कोई एग्जांपल आप खुद करें, ध्यान रखें। इसके बाद हम एवरी के यूज के बारे में बात करें, एवरी। तो ये इसमें तो एवरी जब हम किसी के बारे में एज ए ग्रुप, लार्जर ग्रुप के बारे में बात करें तो वो होता है हमारा एवरी। और ये स्मॉल ग्रुप के लिए, वन बाय वन, स्मॉल स्मॉलर ग्रुप ऑफ पर्सन, स्मॉलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जो हम व्यक्तियों के छोटा जो समूह है उसके बारे में बात करें तो हम इच का यूज करते हैं, और ये एवरी एज ए यूनिट सभी के इकट्ठा रूप में बात करें, गैदरिंग के रूप में, हर एक बच्चे तक मेरी आवाज जानी चाहिए, ठीक है। तो माय वॉइस शुड रीच टू एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट बिफोर मी, प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो जैसे एज ए ग्रुप उसके बारे में हमने बोला है, तो एवरी मतलब लार्जर ग्रुप के लिए। लार्जर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, तो इसके लिए हमने एवरी का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल ले लीजिए, लार्जर ग्रुप, लार्जर ग्रुप एक पूरा स्कूल है, और जो इच है जो एक क्लास है जिसमें इंडिविजुअली हमारे एक बच्चे को जानते हैं, सेपरेटली उनसे बात कर सकते हैं, बट स्कूल में पूरे एक बच्चा गैदरिंग होती है उसे बात इतने तरीके अच्छे तरीके से करना वो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल, एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, एवरी चाइल्ड नीड लव एंड केयर, हर बच्चे को प्यार की जरूरत है, हर बच्चे को क्या है प्यार की, एवरी चाइल्ड नीड्स, ठीक है। सिंगुलर का यूज हो, प्लूरल का यूज नहीं करें, क्योंकि अगर हम नीड को ऐसा कैसा छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो सिंगुलर जब मैंने कहा है इधर नीदर इच एवरी, सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, हर बच्चे को। अब एवरी चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, दुनिया के सभी बच्चों की बात है। इच चाइल्ड का मतलब भी थोड़े यूनिट में कहीं बच्चे हैं, जैसे आप कहीं अनाथालय में गए हैं तो वहां पे हम जाके बोल दें हर बच्चे को प्यार की जरूरत है, ठीक है, केयर की जरूरत है। तो इस तरीके से हम इच चाइल्ड शुड, इच चाइल्ड नीड्स है तो फिर ऐसे बोल लेंगे, इच चाइल्ड नीड्स है लव एंड केयर, लेकिन यहाँ पे क्या, दुनिया के सभी बच्चों की बात है। तो यहाँ पे क्योंकि एवरी लार्जर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, क्लियर है मेरी बात। इसके आफ्टर तो आप एक दो एग्जांपल हैं जो मैं वो अपनी तरफ से बता रहा हूँ। एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री
in our country. Feels proud of Indian Prime Minister. Mr. Narendra Modi, N-A-R-E-N-D-E-R, Narendra Modi. तो इसमें क्या है, एवरी सिटीजन क्या है, हर सिटीजन को. तो पूरे देश को हम कैसे पॉपुलेशन को काउंट करेंगे, इंडिविजुअल कैसे बात करेंगे, इसका यूज नहीं होगा, एवरी का यूज होगा. ठीक है, एवरी सिटीजन. तो ये बात ध्यान रखें. लार्जर ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं हम, लार्जर ग्रुप के लिए एवरी का, किसके लिए, लार्जर ग्रुप के लिए एवरी का, और स्मॉलर ग्रुप के लिए इच का, स्मॉलर ग्रुप का इच, ये रहा स्मॉलर ग्रुप है. टॉक टू इस चाइल्ड सेपरेटली, इस चाइल्ड की बात है. तो ये स्मॉलर ग्रुप में कोई बच्चे हैं, उनमें से हर बच्चे से हमें बात करनी है, तो ये स्मॉलर ग्रुप. तो इच इस चाइल्ड है क्या, किसके लिए जाएगा, स्मॉलर ग्रुप के लिए. ठीक है, इस चाइल्ड स्मॉलर ग्रुप. तो यहाँ पे इच स्टूडेंट किसके लिए साथ जाएगा, स्मॉलर ग्रुप. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे. करेक्ट, तो यहाँ तक आज का. इससे आगे एक है ना, आज कर लेना के पॉइंट को, आप बुक में आपका के पॉइंट है और एक पजेसिव प्रोनाउन है बेटा, ये कर लेना. इसकी एक्सरसाइज मैं आपके पास भेज रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताएं. और होमवर्क से भी बच्चे पीडीएफ फाइल में या व्हाट्सएप करके मेरे को भेजें बेटा, जरूरी है. मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता रखा है. हर बच्चा ध्यान रखे, 9416194363. और जो YouTube का है ना वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, उसको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा आपके पास. होमवर्क तो 2 बजे के बाद सेंड होगा, लेकिन इससे पहले आपको अगर वर्क लेना है, आपको चाहिए कि मेजर टाइम से हर टीचर का काम मिल जाए,